क्वेश्चन नंबर 25 करते हैं। ये 3 4 5 की ट्रायंगल है। 3 4 5 की ट्रायंगल जो है राइट एंगल ट्रायंगल होती है। ये जो एंगल है 90 डिग्री है, और ये वाला जो एंगल है 4 के सामने का एंगल जो है 53 डिग्री होता है, 3 के सामने का एंगल जो है 37 डिग्री होता है। ठीक है, एक का फ्रीगो डायग्राम बनाते हैं। एक का फ्रीगो डायग्राम बनाए, इसका मैं थोड़ा अलग कर देता हूँ। इसका जो टेंशन है वो तो अलोंग द स्ट्रिंग होगा, इसका जो वेट है वो टीकली डाउनवर्ड होगा। ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन जो है या इधर इसकी तरफ होगी। इसको आगे बढ़ा देते हैं। अब आते हैं इसका फोर बी का जो है, इसका भी नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा, इसकी तरफ होगा। इसको आगे भेज देते हैं एन डैस। इसका वेट वर्टिकली डाउनवर्ड होगा 1g, और एक टेंशन होगी, टेंशन अलोंग द स्ट्रिंग होगी। ठीक है, ये जो है ब्लॉक ए ब्लॉक ऐसे मूव करेगा, या तो नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा। बी जो है वो या तो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, ऐसे मूव करेगा। तो सारी फोर्सेज को बी के केस में सारी फोर्सेज को इन दो ऑक्सीज के लॉन्ग ब्रेक करनी है, इन दो ऑक्सीज के लॉन्ग ब्रेक करनी है, और इस वाले केस में एक ऑक्सीज ये लेना, दूसरा ऑक्सीज ये लेना है। तो 1g को रिजोल्व कर लेते हैं। ये वाला एंगल कितना होगा, 53 होगा। तो ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 × g cos 53, और ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 × g sin 53। ऐसे ही 1g को यहाँ, ये वाला जो एंगल है वो कितना, 37। तो इधर वाला कंपोनेंट तो क्या हो जाएगा, 1g cos 37, और इधर वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, 1g sin 37। जो sin 37 है, इस वाले sin 37 3/5, और sin 53 4/5। तो ये वाली दोनों का मास सेम है, तो ये वाली वैल्यू जो है वो ज़्यादा है, ये वाली वैल्यू कम है। तो इसका मतलब ये ब्लॉक जो है नीचे की तरफ जाएगा, और ये वाला जो ब्लॉक है ऊपर की तरफ जाएगा। दोनों सेम स्ट्रिंग से अटैच है, तो जितना ब्लॉक ये ऊपर जाएगा ये का उतना नीचे जाएगा। ये नीचे जा रहा है तो 1g, या इसको जी की जगह 10 ले लेते हैं, 10 sin 53 जो था वो हमारा 4/5 था, माइनस टी वो किसके बाद मास इंटू एक्सेलरेशन इसके बराबर होगा। इस वाले पे लगाते हैं, एक्सेलरेशन की तरफ तो टी है, तो टी माइनस 10 sin 37 3/5 वो किसके बराबर, 1 × a ऐड कर देते हैं, टेंशन टेंशन कैंसिल हो जाएगा, 10 4/5 10 कॉमन आ जाएगा, 4/5 माइनस 3/5 ऐड करेंगे तो 2a, तो ये 1/5 आ जाएगा, 2 = 2a। ए की वैल्यू जो है वो किसके बराबर हो जाएगी, 1। एक्सेलरेशन ऑफ बी भी कितना है, 1 है। एक्सेलरेशन ऑफ ए और बी जो है दोनों इक्वल होंगे, और वो किसके बराबर होंगे, ए के बराबर है, और वो कितना है, 1 है। ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, चले आगे। एक M1 का फ्रीगो डायग्राम बनाना। फोर्स जो है इधर लग रही है, टेंशन जो है वो इधर होगी, इसका वेट नीचे होगा, नॉर्मल रिएक्शन जो अपवर्ड होगी। M2 का फ्रीगो डायग्राम बना, इसका वेट जो है नीचे होगा, टेंशन जो अपवर्ड होगी। एफ की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, M2g/2। वैसे तो
किसी भी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन दे ले सकते हैं, हम अज्यूम कर सकते हैं ये इधर जा रहा है और ये जो अपवर्ड जा रहा है, उस केस में एक्सेलरेशन नेगेटिव आए तो इसका मतलब डायरेक्शन क्या अपोजिट है, या दूसरा तरीका एम टू जी की वैल्यू जो है एफ से ज़्यादा है तो सिस्टम क्या हुआ इधर आएगा, सपोज ए के एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा ये क्या हुआ ए के एक्सेलरेशन से इधर जाएगा, तो इस पर न्यूटन सेकंड का लगाना है एम टू जी माई एक्सेलरेशन नीचे था तो एम टू जी पॉजिटिव होगा माइनस टी वो क्या होगा एम टू इन टू ए, इसमें न्यूटन सेकंड का लगाना है इसका एक्सेलरेशन इधर है तो टी पॉजिटिव होगा माइनस एफ, एफ की वैल्यू किसके बराबर है एम वन जी अपॉन टू के बराबर है, उसके बाद एम वन इन टू ऐड कर दे तो कितना आ जाएगा ये एम टू जी था एम टू जी अपॉन टू वो किसके बराबर है एम वन प्लस एम टू इन टू ए किसके बराबर हो जाएगा ए की वैल्यू जो है किसके बराबर होगी एम टू जी अपॉन टू एम वन प्लस एम टू, ये दोनों के एक्सेलरेशन सेम है, एम वन का एक्सेलरेशन वही होगा जो एम टू का एक्सेलरेशन है, ठीक है दोनों के फ्री बॉडी डायग्राम बनाए वर्टिकल डायरेक्शन बॉडी के अरेस्ट में एन की वैल्यू एम वन जी के बराबर होगी क्योंकि हमें एक्सेलरेशन निकालना था तो इसको मैंने छोड़ दिया, तो टी माइनस एफ इज इक्वल टू एम वन इन टू ए एम टू जी माइनस टी इज इक्वल टू एम टी इन टू ए, दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या होगा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 ये एम वन जी है और इधर जो है टी लग रहा है और एक फोर्स एफ लग रही है इधर, ये एम टू है इसमें एक फोर्स जो है नीचे लग रही है टेंशन जो है अपवर्ड है फोर्स जो है एफ इधर है, इसकी वैल्यू जो है एम टू जो है 5 किलोग्राम है तो ये क्या हुआ इधर जाएगा, इसका एक्सेलरेशन क्या होगा अपवर्ड होगा, यदि हम एक्सेलरेशन निकालें ऐसे पूछा नहीं हुआ चलो निकाल देते हैं नीचे की तरफ है तो एम टू जी माइन प्लस एफ माइनस टी वो किसके बाद एम टू इन टू ए, इस पर लगाए टी प्लस टी माइनस एम वन जी माइनस एफ वो किसके बाद एम वन इन टू ए, दोनों को ऐड कर देते हैं टी से टी कैंसिल हो जाएगा एफ से एफ कैंसिल हो जाएगा एम टू जी माइनस एम वन जी वो किसके बराबर एम वन प्लस एम टू इन टू ए, इसके बराबर हो जाएगा ए की जो वैल्यू है वो किसके बराबर होगी एम टू माइनस एम वन जी अपॉन एम वन प्लस एम टू, तो जो बॉडी है एम वन जो है इतनी एक्सेलरेशन से ऊपर जाएगी, यदि स्ट्रिंग टूट जाए और फोर्स कंटिन्यू रहे तो मोशन एम वन की मोशन बतानी है, एक्सेलरेशन अपवर्ड तो ये जो ब्लॉक है वो ऊपर जा रहा है एम वन जो है वो ऊपर जा रहा है, तो एक्सेलरेशन आफ्टर स्ट्रिंग ब्रेक्स उसका वेट जो है नीचे एक्ट कर रहा है एम वन जी फोर्स भी नीचे एक्ट कर रही है टेंशन तो जीरो हो गई है टी जो है जीरो हो गया तो जो नेट फोर्स है एम वन जी नीचे की तरफ होगी एफ इज इक्वल टू एम वन इन टू ए की वैल्यू निकालनी है तो क्या देगी जी प्लस एफ अपॉन एम जी एफ की वैल्यू जो है एफ की वैल्यू 1 न्यूटन दी हुई है मास जो है 2 है दिखाएगा तो फिर हमने इक्वेशन जो है एम वन का मास ज़्यादा था तो ये इक्वेशन उल्टी हो जाएगी ये जो आंसर आएगा वो क्या आएगा नेगेटिव में आएगा ये एक्सेलरेशन निकालें एम टू जी की वैल्यू 2 है ये 5 है तो 2 प्लस 5 इन टू जी तो इसकी वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी -3/7 इन टू जी, माइनस का मतलब है इसका एक्सेलरेशन जो है नीचे की तरफ है, इसका जो एक्सेलरेशन है
वो किधर है, नीचे की तरफ है, बाकी सेम रहेगा। एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है तो फोर्स जो है नीचे की तरफ रहेगी, ये इधर की टेंशन जी होगी, तो उसका एक्सेलरेशन जो न्यू एक्सेलरेशन है वो किसके बराबर, जी अपोन इसके बराबर हो जाएगा, जी टेन माने टेन मानेंगे तो टेन इसके बराबर होगा, और 9.8 मानेंगे तो 10 के बराबर हो जाएगा 10.2, और यदि 9.8 मानते तो ये एक्सेलरेशन किसके बराबर होता, 10 के बराबर होता, तो ये क्या हुआ, नीचे की तरफ जाएगी। क्वेश्चन नंबर कितना था, 20 सर, ठीक है।